जनपद देवरिया से गोरखपुर प्राइवेट बस से यात्रा करते हुए एक व्यक्ति का जनपद गोरखपुर के यूनिवर्सिटी चौराहे पर बस से उतरने के दौरान पिट्ठू बैग जिसमें एक डेल कंपनी का लैपटॉप रखा हुआ था बस में छूट गया था। इसके बाद काफी खोजबीन किया गया परंतु बैग नहीं मिल सका, जिसके उपरांत इन्होंने शाम 8 बजे यातायात कार्यालय गोरखपुर में आकर इसकी सूचना दी तथा ITMS कंट्रोल रूम के नंबर पर सूचना दी। इसके बाद ITMS कंट्रोल रूम द्वारा इस सूचना के संबंध में अनाउंस किया गया। इसी दौरान यातायात निरीक्षक 3 के मुख्य चालक रामाज्ञा प्रसाद द्वारा बैग को खोजबीन की गई और रोडवेज बस स्टैंड के पास बैग मिल गया, जिसकी सूचना तत्काल बैग के स्वामी विवेक त्रिपाठी को दी गई। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए SP ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह ने बताया। यहाँ के रहने वाले विवेक त्रिपाठी जी हैं, जो कि उधर गुड़गांव में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। कल ये बस से आ रहे थे तो इनका लैपटॉप एक बस में छूट गया था। ढूंढते रहे, फिर इन्होंने ITMS कंट्रोल रूम को सूचना दी। फिर ITMS के कर्मचारियों ने जो है आज सुबह उस बैग के लिए अनाउंस करके और इनके बताए हुलिया के मुताबिक गाड़ियों में चेक करके ढूंढ दिया उस बैग के लिए, और उस बैग के लिए आज इनके सपोर्ट कर दिया गया। इनके द्वारा यातायात पुलिस की सराहना की गई, क्योंकि ये कह रहे थे कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा यहाँ पर जो है खोया हुआ लैपटॉप जो है वापस मिल जाएगा। इसके लिए विवेक त्रिपाठी जी ने गोरखपुर पुलिस की काफ़ी सराहना की है और मैं अपनी ओर से ITMS की टीम को और ट्रैफिक टीम को बधाई देता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे वो लोगों से जो का सामान छूट जाता है? देखिए, जिनका सामान छूट जाता है उनके लिए तो स्वयं ही सतर्क रहना चाहेंगे, बाकी आम जनमानस की जिम्मेदारी है, उसका ये अंतःकरण है। किसी का सामान खो गया है तो उसको खोज के हमारे सिटी कंट्रोल रूम में दे दे या ट्रैफिक कंट्रोल रूम में दे दे, तो हम उनको खोज के उनकी आइडेंटिटी चेक करके उनका सामान वापस कर देंगे। ऐसे करीब 100 लोगों का सामान हम लोग अभी तक